अपने पैर पसार रही है। इसको देखते हुए प्रशासन भी अब पूरी तरह से सख्त हो गया। आपको बता दें, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में संडे के अलावा सोमवार यानी गुलेंडी के दिन भी सख्ती बरतने के आदेश जिला प्रशासन ने दे दिए हैं। जी हाँ, इस बार होली जैसे बड़े त्योहारों पर भी आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। वहीं लोग इस बार घर के बाहर गुलाल नहीं उड़ा पाएंगे। शासन प्रशासन के इस फैसले के बाद जहां आमजन के साथ भाजपा और कांग्रेस नेताओं में भी घुसा देखने को मिल रहा है। हम बात करें भाजपा से, भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा ने प्रशासन के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। आप देख सकते हैं उनके द्वारा किया गया ट्वीट, उनकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। मेरी होली मेरे घर वाले नारे पर उनका गुस्सा साफ देख सकते हैं। जिस तरह से कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में होली पर बंद रखने के आदेश दिए गए थे, होली जैसे बड़े त्योहारों पर बंद रहेगा, इसका गुस्सा आम जन के साथ भाजपा और कांग्रेस नेताओं में देखने को मिला। ये तो थी भाजपा नेता की बात। अब बात करें कांग्रेस से, तो कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने भी नाराजगी जाहिर की है। होली जैसे बड़े त्योहारों पर बंद रखने के आदेश के फैसले पर उन्होंने तीखी बात कही है। आइए आप भी सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। कल जो प्रेस मीटिंग हुई है, ये सिर्फ अफसर लोग और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो पूर्व विधायक या उनके जो नेता है, भैया नेता है, वो लोग प्रेस कमेटी मीटिंग के अंदर है। बस इंदौर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लोगों का अपमान किया जा रहा है, ना उनको कमेटी बुलाया जा रहा है, ना उनसे कोई निर्णय ले जा रहा है। हम भी विधानसभा एक के विधायक होने में जनप्रतिनिधि हूँ। मैं विशाल भट्टी जी भी जनप्रतिनिधि हैं, जीतू पटवारी जी भी हैं, इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, और जो वरिष्ठ लोग हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग मिलकर ही आपस में निर्णय लेके ये कर रहे हैं। तो इस निर्णय लेने गर्भवती क्या है, आप निर्णय लेना ही है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाके बैठे निर्णय लें। ये बदनाम नाम क्यों लिया जा रहा है, क्राइसिस कमेटी की मीटिंग हो रही है, इस कमेटी के नाम से सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। इस कमेटी के अंदर जो कमेटी के लोग हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा है, ये खुद ही निर्णय लिए जा रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। परंतु इंदौर शहर नहीं, पूरा देश होली का त्यौहार, ऐसा त्यौहार है हमारा त्यौहार, इसको त्यौहार बड़े धूमधाम मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि समाज के अंदर या परिवार के अंदर कोई मर जाता है या कोई एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद कोई शुभ काम होता है वो कब होता है, होली के रंग लगने के बाद काम चालू होता है। उस त्यौहार भले शादी ब्याह हो या घर के अंदर कोई शुभ काम हो, ऐसा कोई भी काम होली रंग नहीं लगेगा जब तक ये काम नहीं होता है। उस त्यौहार को मना किया जा रहा है। परंतु बंगाल के अंदर चुनाव हो रहे हैं और असम में चुनाव, चार दिन रात चुनाव हो रहे हैं, तो आदमी मुख्यमंत्री जी इंदौर आते हैं या कहीं भी घूमने फिरने आते हैं, एक घंटे के लिए आते हैं, सिर्फ गोला बनाने के लिए आते हैं, और उनके लिए कोई फैसला नहीं लिया जाता है। वहाँ हजारों लोगों को 56 दुकान में भीड़ इकट्ठी की जाती है और वो सेल्फी फोटो खिंचवाते हैं, तो उनके लिए ये कोरोना महामारी नहीं हो रही है और आम जनता के लिए हो रही है। जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो बेचारे रोजी रोटी के लिए थोड़ा गुलाल भेजते हैं, कोई पिचकारी भेजता है, कोई गुलाल भेजता है, कोई रंग भेजता है, और उनका रोजगार छीना जा रहा है। और इंदौर शहर नहीं, पूरे देश के अंदर हवाई जहाज चल रहा है, हवाई जहाज के अंदर दो दो घंटे अंदर बैठे रहते हैं लोग, उनके लिए नहीं, उनका बिजनेस चलना चाहिए, इसलिए फ्लाइट चलाई जा रही है। परंतु इंदौर के अंदर शादी ब्याह हो तो 50 लोग, कोई इस बार हो गया तो 20 लोग, परंतु शादी ब्याह के अंदर 50 लोग, तो शादी करने के लिए बंगाल जाना पड़ेगा हमको, बंगाल असम जाकर चुनाव शादी करें, या कुछ मर गया हो तो वहाँ जाकर त्यौहार मनाएं, ऐसा कुछ करें। होली मनाना तो बंगाल जाए, तो बंगाल में वहाँ कोरोना नहीं है, असम में चुनाव कोरोना नहीं है, पर इंदौर में ही सिर्फ कोरोना है। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे निर्णय नहीं ले जा रहे, परंतु इंदौर में जो निर्णय जा रहे हैं उसका विरोध करते हैं। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, आदरणीय उमेश शर्मा जी ने कल उनका विरोध किया है, हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आम जनता से जुड़ा त्यौहार है, ये बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, इसका हम विरोध करते हैं। कल हम होली के दिन हर जगह जाएंगे और रंग डालने जाएंगे, क्योंकि हमको रंग डालने जाना है, समाज के लोगों को रंग डालने जाना है, रिश्तेदारों को रंग डालने जाना है, और जो वरिष्ठ लोग हैं उनके घर रंग डालने जाएंगे, और हम मारंगा में होली मनाएंगे। जो कार्रवाई करना हम पर उसके लिए मंजूर है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने कोरोना के लिए हजारों लोग इकट्ठा करके कोरोना महामारी बढ़ाई थी इंदौर शहर में, परंतु उसकी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। और हम लोग सिर्फ चार लोग बैठते हैं उन पर कार्रवाई होती है, हम किसी धरने पर जाते हैं उन पर कार्रवाई होती है, किसी का विरोध करने जाते हैं तो हम पर कार्रवाई होती है, एक नहीं 10 करें हम उसके लिए करने को तैयार है, परंतु आम जनता के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और इंदौर के 3 नंबर के हमारे बल्लेबाज विधायक वो भी कहते हैं कि भाई हम कोरोना महामारी रोकने के लिए 3 लाख का मैं विज्ञापन दे रहा हूँ, 3 लाख का विज्ञापन देने के बजाय आप लोगों की सेवा करें, लोगों को का पालन करें, जो गरीब परिवार जो ठेले वाले मजदूर और व्यापारी जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं उनके लिए समर्थन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, दुनिया भी कर रही है, क्योंकि उनको अपना परिवार देखना, अपने घर देखना, समाज देखना है, वो सोशल डिस्टेंस पालन कर रहे हैं। परंतु ऐसे जो निर्णय ले जा रहे हैं तुगली निर्णय, इसका हम विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग घर भी हम जाएंगे, उनसे समर्थन मांगने जाएंगे,
भले उमेश शर्मा जी हो या गौरव रणदीप जी हैं, उनके घर जाएंगे, क्योंकि जो निर्णय लिया गया गलत निर्णय लिया गया, इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। त्यौहार मनाएं, कोरोना की महामारी होना चाहिए, परंतु इसको सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए लोग घर जाने की अनुमति दी जाना चाहिए और लोग अपना त्यौहार मनाएं। लेकिन